हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको। जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कई लोगों के सकारात्मक कमेंट मिल रहे हैं और हमें पता चल रहा है और कई लोग हमें बोल भी रहे हैं कि गुरुजी आपके उपाय की वजह से उनके जीवन में फायदा हो रहा है और वह इन उपाय का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे चाहते हैं कि आपको इस तरह के उपाय और उनकी जानकारी आपको मिलती रहे, आपको अपने घर की वास्तु विज्ञान की जानकारी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियां से आप अपडेट रह सके और ऐसी जानकारियां आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, आज हम आपके जीवन में बता रहे हैं बहुत ही शानदार उपाय। दोस्तों, यह उपाय किया जाएगा दीपक के साथ, और दीपक के साथ ये उपाय इसलिए किया जाएगा क्योंकि दोस्तों दीपक की अग्नि देव के प्रभाव से कोई भी चीज बच नहीं सकती, और साथ ही देवताओं का विशेष प्रयोजन है। याद करके कोई दीपक जलाया जाता है तब देवताओं को वह कार्य पूरा करना पड़ता है और उस कार्य का आशीर्वाद आपको उस दीपक के रोशनी के स्वरूप मिल जाता है। इसलिए अंधकार को हटाकर आप जहां प्रकाश करेंगे, आपके जीवन में भी वह प्रकाश सदैव रोशन मान रहेगा और आपको कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का यह उपाय क्या जाएगा? वैसे तो एक दीपक मैंने कहा है आपको, लेकिन 5 दीपक लगेंगे। और दीपक वैसे एक इसलिए बोला गया है कि चाहे 5 हो या 1 हो, दीपक दीपक होंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश को याद करके आपको 5 दीपक जलाने हैं। भगवान गणेश को हमने इसलिए चुना है क्योंकि सबसे पहले पूजा भगवान श्री गणेश की होती है, साथ ही बल बुद्धि देते हैं, विद्या भी देते हैं। श्री हनुमान जी भी इनके भक्त हैं और साथ ही यह हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ लेकर आते हैं, और सब देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश है। तो हमने अगर भगवान गणेश को पूजा कर ली तो हमने सभी देवताओं की पूजा कर ली। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में भगवान गणेश की तस्वीर है, प्रतिमा है, तब आपको भगवान गणेश को ही याद करके आपको इन दीपक को जलाना है। आपको संख्या में 5 दीपक जरूर लेना है। 5 दीपक के साथ ये उपाय क्यों जाएगा, क्या जाएगा, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको क्या करना है कि रुई की बढ़िया 5 बाती बनानी है और 5 दीपक जलाने हैं। दोस्तों, दीपक आप पूजा में उपयोग होने वाले तेल से भी जला सकते हैं, अन्यथा आप गाय के शुद्ध देसी घी के साथ दीपक जलाएंगे तो भी कोई बात नहीं। आपको इन 5 दीपक जलाने हैं। अब दीपक आपको कौन से लेने हैं, तो तांबे या पीतल या फिर मिट्टी के दीपक आपको लेने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इन 3 के अलावा आपको कोई भी दीपक नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, भगवान गणेश की आपको अपने घर के पूजा घर में पूजा करनी है। श्री गणेश आरती करती हैं और आरती के दौरान ही आपको इन 5 दीपक को जलाना है, और इन 5 दीपक से ही श्री गणेश की आपको आरती करनी है। तो आपकी आरती पूरी हो जाए तब आपको अपने हाथ में जल लेना है और जल के साथ भगवान श्री गणेश को जो अक्षत अवेश कर हमेशा भगवान श्री गणेश को चावल चढ़ाए जाते हैं, और चावल क्या करना है, आपको भगवान गणेश को अखंडित चावल ही चढ़ाने हैं, खंडित चावल आपको नहीं चढ़ाने हैं। उन चावल को चढ़ाकर उन चावल को अपने हाथ में जल जो आपने लिया है उनके साथ ले लें, और उसके बाद उन दीपक के ऊपर से आपको ध्यान रखना हो कि दीपक बुझे नहीं, उस दीपक के ऊपर से 7 बार उस जल और चावल को घुमा लेना है, और उसके बाद उन चावल को लेकर आपको अपनी जेब में या अपने पर्स में रख लेना है, और भगवान से उसके बाद हाथ जोड़कर आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह भगवान से बोल देनी है, और भगवान से अपने लिए अच्छी मनोकामनाएं मांगकर आपको उन 5 दीपक को हमारे बताए गए स्थान पर रखना है। दोस्तों, सबसे पहला तो दीपक आपको अपने घर के पूजा घर में ही भगवान गणेश के लिए रख देना है।
दूसरा जो दीपक जलाया गया है वह दीपक आपको अपने घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा के भंडार में रखना है। ओम श्री अन्नपूर्णे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर की रसोई में आपके घर में अन्न का भंडार भरवाने के लिए रखना है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंत्र है ओम गण गणपते नमः, पंचाक्षर मंत्र है, इसको बोल दे आपका काम बन जाएगा। जो तीसरा दीपक दोस्तों है वह आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है और आपको यह बोलना है ओम मम असुर रक्षम करुम स्वाहा, ओम मम असुर रक्षम करुम स्वाहा, इतना बोलना है क्योंकि आपके घर के मुख्य द्वार से सदैव बुरी शक्तियां आती है तो सकारात्मक अच्छी शक्तियां भी आती है, तो अच्छी शक्तियां तो दीपक से आपके घर में आकर्षित होगी लेकिन बुरी शक्तियां उस दीपक को देकर वहीं से चली जाती है। अब बात करते हैं चौथे दीपक की, तो चौथा दीपक आपको अपने घर के मुख्य हॉल ड्राइंग रूम में आपको जलाना है और उस समय आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जलाना है और भगवान से रिद्धि सिद्धि की मनोकामनाएं आपको मांग कर, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक समय व्यक्ति अपने घर के मुख्य हॉल में जहां पर सब परिवार के सदस्य एक साथ बैठ सके वहां पर बिताता है और वहां पर कोई भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर नकारात्मकता होगी तो परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी टकराव और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा मिलता है, यह बात तो आप भी जानते हैं, और वहां पर कभी भी नकारात्मकता नहीं रहे इसलिए वहां पर आपको यह दीपक आज शाम जलाना है। अब बात करते हैं पांचवें दीपक की, तो पांचवें दीपक को आपको अपने घर में जहां आप धन रखते हैं, आपके घर में धन रखने का स्थान है, वहां पर आपको जलाना है और आपको मंत्र बोलना है ओम श्रीम श्री नमः या ओम लक्ष्मी पूर्ति कराय नमः, इतना छोटा सा मंत्र है, आप इन दोनों में से कोई भी मंत्र बोलकर देवी लक्ष्मी से सदैव आपके घर में आपकी तिजोरी में बरकत मनाने हेतु आपको भूल देना है और उसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर में वापस आकर भगवान श्री गणेश से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको बोलते हुए भगवान की आपने आरती की है तो आरती के बाद आपने जो अपनी जेब में जो चावल डाले थे अब आपको उन चावल को वापस निकालना है या आपने जहां भी चावल रखे थे तो उनको चावल को अब आपको आवश्यकता पड़ेगी, उन चावल को आपको क्या करना है कि कुमकुम से उन चावल को पूरे लाल कर देना है और एक लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाकर आपको भगवान श्री गणेश की तस्वीर है तो तस्वीर के पीछे अन्यथा उनकी मूर्ति के नीचे उन चावल को रख दें और चावल को रखने के बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह मनोकामनाएं वापस भगवान से मांग लेनी है। उसके बाद 7 दिन जब व्यतीत हो जाए तब आपको भगवान श्री गणेश की तस्वीर के पीछे से वह चावल निकाल लें या मूर्ति के नीचे रखा है तो वह निकाल कर आपको उस चावल को अपने पर्स में रख लेना है या आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप कोई अपने विशेष कार्य करने हेतु जाए, आपका विशेष कार्य हो, तब आपको उन चावल को अपने साथ में लेकर जाना है ताकि आपका काम बन जाए। उन चावल की सकारात्मकता जो भगवान गणेश का आशीर्वाद होते हैं, उनका प्रसाद होते हैं, जो आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता को नहीं आने देंगे और भगवान गणेश की कृपा से आप जिस भी कार्य को करना चाहेंगे वह आपका कार्य सफल होगा। दोस्तों इसके साथ ही अगर आप अपने घर में कोई बड़ा विशेष आयोजन करते हैं जिसमें अगर आपको लगता है कि खाने की कमी पड़ने वाली है या आपके खाने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, उस समय आपको वह उस खाने में एक चावल का वह दाना आपको डाल देना है तो आपके खाने की लोग तारीफ ही करेंगे, साथ ही आपके खाने में वृद्धि होगी, आपके खाने में कभी भी कमी नहीं आएगी। दोस्तों यह गणेश पूजा का विशेष प्रसाद रहता है, साथ ही भगवान का यह प्रसाद सभी भक्तों को अर्पित हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही आपको प्रत्येक बुधवार को जब आप भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं तब आपको भगवान गणेश को 21 दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और अगले दिन उस दुर्वा को आपको ऐसे ही नहीं फेंकना है, उस दुर्वा को आप अपने घर की तिजोरी में थोड़ी सी रख ले तो कोई नहीं, नहीं तो आप इसे
अपने आसपास कोई पीपल का या बरगद का पेड़ है तो वहां पर आपको रख कर आना है। कई लोगों को हमने देखा है भगवान को दुर्वा अर्पित करते हैं और अगले दिन वह दुर्वा कचरे में फेंक देते हैं, जो कि आपको बुरा प्रभाव दे सकती है। भगवान गणेश की जब भी आप पूजा करें तब आपको दुर्वा विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए। भगवान श्री गणेश को चढ़ाई गई दुर्वा आपका सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। तो दोस्तों यह था आज का दीपक का प्रयोग। अगर आपने इसे वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी और भी कोई समस्या है, जैसे कोई ग्रह कलेश संबंधी हो गया, आपकी कोई समस्या है, उपाय अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको आपकी जो भी उन समस्याओं को समाप्त करते हुए आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही अगर अन्य भी कोई समस्या है तो उसका भी सुलझाव किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।